ओम जी, स्वागत है मेरा दिव्य शिव योगा आयुर्वेदा चैनल पर। योगा विद कमला, योगा क्लास शुरू हो चुकी है। हमारे साधक कर रहे हैं योगिंग जॉगिंग, सर्दी का मौसम है और बहुत सारे साधक छुट्टी पे हैं, गर्मी आ जाती है। योगिंग जॉगिंग से सबको पता है और हमारे सारे मांसपेशियां यहाँ काम करना शुरू कर देती हैं। ऑक्सीजन युक्त हरेक मृत से मृत कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, शरीर में जान आ जाती है। तो और क्या चाहिए, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी चाहिए, वही हम योग के द्वारा शरीर को दे देते हैं। तो आप भी करें सभी। और आज मैं जानकारी देती हूँ आपको शीशम के बारे में। हमारे इधर शीशम भी है, देखो दिखाती हूँ, हो जाएगा क्या इसमें? नहीं, ये इधर भाई शीशम है, पहचान में नहीं आएगा शायद, इधर से कैसे दिखेगा। यहाँ शीशम का पेड़ है, सभी को पता होगा अभी शीशम का, है ना? तो उसके पत्तों के बारे में हम जानकारी आपको देंगे, शीशम से कितने सारी कितनी बीमारियाँ ठीक होती हैं। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि शीशम से कितनी बीमारियाँ ठीक होती हैं। जो माताओं बहनों को सफ़ेद पर्दर की शिकायत होती है, पर में की शिकायत होती है, धातु रोग एवं मासिक धर्म संबंधी जो भी तकलीफ होती है ना, कम या ज़्यादा, जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो पेटू में दर्द संबंधी सारे विकार ठीक होते हैं। ज़्यादा रक्तस्राव में भी लाभ करते हैं शीशम के पत्ते। तो आपने कैसे करना है, शीशम के 8 और 10 पत्ते लें और 25 ग्राम मिश्री, कौन सी मिश्री, धागे वाली मिश्री लें। तो उन पत्तों को और मिश्री को घोट का पीस कर, घोट पीस लें उसको, प्रातःकाल खाली पेट सेवन करें उसका। 8 या 10 पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, छोटे छोटे नहीं डंके, अगर छोटे छोटे हैं तो थोड़े ज़्यादा ले लें, ठीक है। और 25 ग्राम धागे वाली मिश्री को पीस का अच्छा सा पेस्ट बना ले उनका, और सुबह सुबह खाली पेट ले। आप देखोगे कि थोड़े दिनों में, है ना, माताओं बहनों के श्वेत पर्दर और पुरुषों के परमेह आदि रोगों में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जो मासिक धर्म के अंतर्गत होने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, माताएँ बहनें फेस करते हैं, तो उसमें भी हमको आराम मिलेगा। ये ठंडी होती है वैसे भी, है ना, पेट की गर्मी भी दूर करनी हो, मुंह के छाले सब, पेट साफ, हमारे आते साफ। पर सर्दियों में क्या करना पड़ेगा, हमने सर्दियों के मौसम में 4-5 काली मिर्च जरूर पीस ले इसमें, क्योंकि ये ठंडा होता है ना, तो सर्दियों में 4-5 काली मिर्च और पीस ले। गर्मी में मिर्च को रहने दे, सर्दियों में मिर्च भी पीस ले इसमें। और गर्मी से होने वाले रक्तस्राव में भी अत्यंत लाभप्रद है और बिल्कुल सरल प्रयोग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारी चीज़ मिल जाएंगी, मिश्री मिल जाएगी पंसारी की दुकान पर, जहाँ से आप आटा चावल चीनी जो भी लेते हैं, दाल चावल। और शीशम तो जगह जगह उग रही है, इतनी खेत खलिहानों में भी, पार्कों में भी। हमारे कर रहे साधक ताड़ासन, ये बच्चों को भी करवाया करो भाई, जिसकी हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए है ताड़ासन। और जिनका मन नहीं लगता ना पढ़ाई में, वो भी लगने लग जाता है बच्चों का। और हम माताओं बहनें या भाई जो भी करेगा, उसका जो भी काम करेगा उसमें मन लगेगा। कई बार होता है ना, एक काम में घुस जाओ, पूरा नहीं करके दूसरा छेड़ दो, वो वाली बात हो जाती है। तो ये करने से जो भी हम काम करेंगे उसी में मन लगेगा, ताड़ासन। आज हमने शीशम का प्रयोग बताया है और फिर एक दिन और बताएंगे अमरूद के पत्तों का। आज ही बता दे क्या, ये देखो अमरूद है हमारा इधर, ये अमरूद का है, इसका अमरूद लगे हुए हैं छोटे 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 छोटे, इधर रोशनी वैसी हो जाती है सूरज की। तो खांसी में तो कच्चे अमरूद को अपने चूल्हे में, जैसे अंगारे की आग में दबका दें,
और उसको पकाएं, भून लें, पकाएं क्या भून लें, भूनने के बाद उसको खा लें। और ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना है, कभी पानी पी लो। और इसके पत्ते हैं, 4-5 पत्ते हैं ऐसे आगे आगे है के, जैसे आगे आगे के पत्ते नहीं होते, कोपल बोलते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, वे पत्ते 4-5 और लौंग, उनका गाढ़ा बना कर पिए। जो आजकल गले में दर्द होता है ना, खांसी होती है बार बार, छाती रुक सी जाती है, तो उसमें भी आराम मिलेगा। डॉक्टर को जाने से पहले एक बार अपना ये करते रहें, फिर देखो कितना। और एलोपैथी की दवाई के साथ साथ भी ले सकते हो इसको, तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर पर। क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट हाँ, तो वो नहीं पड़ेंगे। शीशम के पत्ते, अमरूद के पत्ते का प्रयोग बताया हमारी योगा क्लास में। कौन आसन चला हुआ है जिससे हम माताओं बहनों का जो भी करेगा उसका साइड का फैट, बेली फैट कम होगा, भुजाओं का फैट, थाइज स्टोल, पूरा शरीर ही एकदम अपने आकार में आ जाएगा। चलो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में और नई जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम।